कंपनियों ने विचार विमर्श करके आपसी सहमति से एक निर्णय लिया है कि अम्मा महिला समिति में धर्म मंत्री का पद संभालेंगी। गुरु माता वरुण माला जी अर्थ मंत्री होंगे और आप सभी को भी महिला समिति में अहम भूमिकाएं निभानी होंगी। क्षमा महारानी, इतने बड़े और महत्वपूर्ण पद के अयोग्य है वरुण माला। हमारे विचार से इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये निभा नहीं पाएंगी। क्यों वरुण माला, हम सत्य कह रहे हैं ना? नहीं है स्वामी, ऐसा नहीं। क्यों नहीं गुरुवर, हम स्त्रियों को अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं ना, जो हमारे धन की कितनी कुशलता और व्यवहारिकता से ध्यान रखती हैं, वो राज्य के धन और लक्ष्मी की क्यों नहीं रख पाएंगी? अभी तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से निर्वाह करेंगे ये धन। मानने और होने में बहुत बड़ा फर्क होता है पंडित रामकृष्णा। गुरुवर, यदि विश्वास को अवसर प्रदान किया जाए तो जो हम मानते हैं और समझते हैं वो होने भी लगता है। क्षमा करें महारानी, मैं तो गृह कार्य में ही निपुण हूँ। इस राज्य के कार्यभार के लिए मैं स्वयं को असमर्थ पाती हूँ। देखो बहनों, विवाह से पूर्व हमें गृहस्थ जीवन का कोई अनुभव नहीं था, परंतु हर स्त्री विवाह के पश्चात कितनी कुशलता और दक्षता के साथ अपने गृहस्थ जीवन को चलाती है, साथ ही साथ अपने पति और बच्चों की भी देखभाल करती है। इसी तरह हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस कार्यभार को भी अच्छी तरह से निभा लेंगे। वाह गुरु माता, क्या विचार है, अति उत्तम। आपकी अनुभवहीनता आपके लिए चुनौती हो सकती है, किंतु पाबंदी नहीं। और नारी तो शक्ति का स्वरूप होती है, कुछ भी कर सकती है, बस उस शक्ति का उपयोग विवेक के साथ करना होगा। क्यों देवियों? सत्य कथन पंडित रामकृष्ण। दोनों महारानियों को हमारा अभिनंदन। आपका निर्णय निम्न उच्च स्तरीय है। महारानी जी, जो राज्य महिलाएं भी साथ मिलकर चलाएंगी, उसके समृद्धि और विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। पंडित रामकृष्णा और गुरुवर, जब आप जैसे ज्ञानी अनुभवी लोगों का साथ हमारे साथ है, तो इस राज्य को चलाने के लिए हमें कोई भी विपदा या आपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसका हमें विश्वास है। ये क्या चलाएंगी राज्य को, सब्जी मंडी बना के रख देंगी, रसोई घर बना देंगी, दरबार को पता नहीं क्या पकने वाला है। गुरु जी, खिचड़ा पकेगा और सब में बटेगा, क्योंकि दरबार तो अब रसोई घर में लगा करेगा। और दरबार में महिलाओं का डेरा जमेगा। पहले तो हम सोचा करते थे कि महिलाओं में मस्तिष्क कम होता है, परंतु आज इन सब ने मिलकर सिद्ध कर दिया कि महिलाओं में मस्तिष्क होता ही नहीं, अभी तो हमारे मस्तिष्क का भार बढ़ा दिया है। कैसे गुरु जी? अरे पहले तो हमें इस पंडित रामकृष्ण को झेलना पड़ता था, केवल यही हमें परेशान करता था, अब इस वरुण माला से भी उलझना पड़ेगा। तो हमें ये कहते हुए अत्यंत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि अब जब महिला समिति का गठन हो चुका है, तो हमें दरबार की कार्यवाही आरंभ करनी चाहिए। क्या हुआ, आपको कोई समस्या है? जी महारानी जी, आप आज्ञा दे तो मैं जाऊं। मेरी सास को औषधि देने का समय हो गया है। आपकी पत्नी माता जी की सेवा करती जी, है? जी जी। क्षमा कीजिएगा महारानी, स्वामी की पूजा का समय हो गया है। गुरु माता, आप गुरुवर की पूजा करती हैं? जी महारानी, पति तो परमेश्वर होते हैं। क्षमा स्वामी, पूजा में विलंब हो गया। बस करो वरुण माला, बहुत हो गया। बैठो। जा क्या? महिलाएं दरबार में आएंगी तो प्रतिदिन ऐसा ही होगा,
महिलाएं ना घर की रहेंगी न दरबार की रहेंगी, इसीलिए हम महिलाओं के दरबार में आने के पक्ष में नहीं। गुरुवर जी, क्या कहा आपने, कृपया दोहराइए। हमने हमने क्या कहा, हमने 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 कुछ नहीं कहा। गुरुवर, आप आदरणीय हैं, परंतु हम सुनना चाहते हैं कि आपने कहा क्या। पंडित रामकृष्ण मर गए। मंत्रीवर। जी जी महारानी चिन्ना देवी जी, बात यह है कि सभी महिला दरबारियों का दरबार में आज प्रथम दिवस है और ये अकस्मात आया हुआ कर्तव्य है, तो आप कहना क्या चाहते हैं मंत्रीवर, महिलाएं अकस्मात आए कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकती। नहीं नहीं महारानी जी, हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि सभी महिला दरबारियों पर अकस्मात कार्य का बोझ नहीं डालना चाहिए। हम भी यही कहना चाह रहे थे। जी मंत्रीवर, आपका कथन सत्य है। जी आज के लिए दरबार समाप्त होता है, नियमित कार्यवाही कल से की जाएगी। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्मा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्मा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। महारानी तिरुमलम्मा की जय। जिस प्रकार आज रानियों ने दरबार संभाला है, बस इसी प्रकार आगे भी संभाल लें तो महाराज का उद्देश्य सफल हो जाएगा। आपको तो ज्ञात है कि दरबार में जाने से पूर्व हम कितने भयभीत थे कि हम दरबार को संबोधित कर पाएंगे या नहीं, परंतु हमारी कृपा से आज दरबार में सब सही हो गया। माँ, आप स्वयं हमसे बात कर रही हैं? नहीं तो क्या तिरुमलम्मा से बात करेगी? महारानी तिरुमलम्मा, आप? हम कार्यवाहक राजा का पद संभालने के लिए बिल्कुल घबराए नहीं थे, हमें तो पूर्व ही ज्ञात था कि हम सब संभाल लेंगे। अभी तो आप भी राज दरबार ना आए ना, तो हम राज दरबार के लिए अकेले ही तैयार हैं। महारानी चिन्ना देवी, आपने अब तक हमें नहीं बताया कि ये वस्त्र हम पर कैसे लग रहे हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं महारानी तिरुमलम्मा। धन्यवाद। आपको ज्ञात है हमने संपूर्ण रात्रि कारीगर को बैठा कर ये वस्त्र तैयार करवाए हैं। अच्छा। हमारी तो बस यही प्रार्थना है कि देवी माँ हम पर अपनी कृपा बनाए रखे, ताकि हम दोनों दरबार की कार्यवाही भली भांति संभाल लें, ताकि महाराज जब पुनः जयपुर से यहाँ पधारे तो उनको हमें कार्यवाहक रानी बनाने के इस निर्णय पर गर्व हो, हमें किसी भी दशा में उनके इस निर्णय पर खरा उतरना होगा। ये तो साधारण सी बात है, जब वस्त्र उचित है तो निर्णय भी उचित ही होगा। महारानी तिरुमलम्मा, अब कैसे समझाएं आपको कि राजकीय कार्य संभालना बहुत बड़ा दायित्व है। अम्मा, आपने मेरी गणित की पुस्तक देखी, मुझे नहीं मिल रही है। हैं? आपने पढ़कर घर के बाहर फेंक दी। हैं? अम्मा, आपने वो पुस्तक जला दी। अम्मा, आपने ऐसा क्यों किया? लामा ने जला दी। अम्मा, लामा ने ऐसा क्यों किया? हाँ अम्मा, क्यों किया? लामा कहाँ है? अच्छा अम्मा, लामा था है? लामा तो सो रहा है। नहीं गुरुजी, हमें तो क्षमा कीजिए, हमें नहीं चाहिए आपका कोई छप्पन अपन भोग। गुरुजी, इसके पीछे आपका कोई ना कोई आवश्यक षड्यंत्र होगा। शांत रहो, शांत रहो। वरुणमाला, वरुणमाला इधर आओ प्रिय। स्वामी, आपने हमें स्मरण किया? हमें क्षमा कर दो प्रिय। नहीं नहीं स्वामी, नहीं, ये धरती पर क्यों नहीं जाती, हम इसमें समा क्यों नहीं जाते? हमारे स्वामी, हमारे परमेश्वर हमसे क्षमा मांगे। नहीं स्वामी, नहीं, धरती फट जा, तू धरती फट जा, हमें अंदर समा ले, धरती तू फट जा। रुको वरुणमाला, पहले कारण तो जान लो, उसके पश्चात धरती को फटने के लिए कहना। जो क्या? वो हम क्षमा इसलिए मांग रहे हैं कि हमने आपकी आज्ञा के बिना धनी मणि को घर पर भोज के लिए निमंत्रण दे दिया। ये बेचारे निरीह प्राणी
कई दिनों से आग्रह पर आग्रह कर रहे थे। कह रहे थे, गुरुजी हमारा मन गुरु माता के हाथों का 56 भोग खाने के लिए कर रहा है। हमने कहा ठीक है, हम गुरु माता को कह देंगे और तुम दोनों को 56 भोग खिलवा देंगे। हाँ स्वामी, अवश्य है, अभी बना देते हैं। अरे अम्मा, क्या कर रही हो, क्यों मार रही हो मुझे? अरे सोते हुए पुत्र को भला कोई मारता ऐसे निर्दय कहीं की? अरे अम्मा, हुआ क्या? अभी तुम्हारी गुरु माता तुम्हें 56 भोग बनाकर खिलाएगी। परंतु 56 भोग, उसमें तो बहुत समय लग जाएगा और हमें तो अभी दरबार। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मत खिलाइए 56 भोग, 52 भोग खिला दीजिए, 50 भोग खिला दीजिए, उतना ही काफी है। ये बेचारे भिक्षु दाल रोटी खाने वाले, इनके लिए तो वो भी अधिक हो जाएगा। धनी, इस बड़ो के मन में कौन सी खिचड़ी पक रही है, हमें शांत यानी बच के रहना पड़ेगा। बच के, पलटी गुरु माता हमें क्षमा कर दीजिए। गुरु जी आप भी बस यूं ही ना, मैं तो यूं ही कह दिया था। शांत रहो, ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि वरुण माला दरबार ना पहुंच सके। घर पर पर्याप्त नहीं है जो अब प्रतिदिन दरबार में भी इनका मुख देखे। ठीक है, यदि आपका दरबार में जाना आवश्यक है तो आप जाइए। हम इन ब्राह्मणों को, हमारे मानस पुत्रों को भूखे रहने देते। आपका दरबार में आवश्यक कार्य है तो जाइए आप। हम पापों का दंड भुगतने के लिए यहाँ प्रस्तुत हैं। नहीं स्वामी, नहीं, पापी तो हम हैं। हर पाप का दंड हमको ही मिलना चाहिए, परंतु इनको भूखे रखने जैसा पाप नहीं स्वामी, ये हमसे मत करवाइए। आपकी इच्छा का पालन करने से अधिक हमारे लिए और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जाइए, शीघ्र जाइए। हाँ स्वामी, हम बस अभी जाते हैं और इनकी 56 भोग की तैयारियां करते हैं। धन्यवाद। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके करुण में 56 पेट भर के खाएंगे। तू ही तो भूखे नंगे। अब वरुण वाला रसोई घर में और हम दरबार में। अरे धीरे 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 धीरे, क्या है? अरे क्या 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 बोल रही है? कुछ नहीं अम्मा, मैं गुलुकुल के लिए निकल रहा हूँ, आप लामा पे ध्यान दीजिए। पहले पहले ये बताओ कि तुमने मुझे इतनी प्रातः क्यों जगाया और रसोई घर में क्यों लेकर आई हो? शिव 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 अम्मा, शारदा नहीं है तो तुम मुझे कच्ची तरकारी खिलाओगी? तुमने तो सत्य में मुझे पशु मान लिया है ना, पहले लाठी से मारा, अब कच्ची तरकारी खिला रही हो, फिर कहोगी गाय की भांति भाग करके सुनाओ, है ना? तलवार, सुसरा, चाकू, चाकू से सब्जी काटू? किंतु मैं क्यों काटू? केवल काटना ही नहीं, पकाना भी है। नहीं नहीं अम्मा, मैं नहीं पकाऊंगा, मुझे कहाँ आता है सब पकाना। क्या पकाना है बताओ, क्या पकाना है? लौकी, लौकी में पालक डालू, पालक में लौकी डालू, कुछ समझ में नहीं आ रहा किस में क्या डालू। ईश्वर, इसके सर में बुद्धि डाल। अकल है मुझ में। गुंडप्पे, तो मेरी सहायता करना। लामा, जो भी सामग्री है वो मिला दे, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। शीघ्रता से 56 भोग बना ले तो समय से हम दरबार भी पहुंच पाएंगे। स्वामी ने कितने दिवस पश्चात हमसे अपने मन की इच्छा व्यक्त की है, हम उन्हें निराश होने का अवसर कदापि नहीं देंगे। आ,
इतने सारे पकवान पहली बार खाए मैंने, आनंद आ गया। आत्मा तृप्त हो। जय हो गुरुजी की, जय हो। अरे वाह, तुम दोनों ने सारा भोजन समाप्त कर लिया, इतना स्वादिष्ट लगा। देखो हम तुम दोनों के लिए गरम गरम पूड़ियां लाए हैं। नहीं 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 गुरु माता, बस पेट भर गया और भूख नहीं बची है। तुम्हारे गुरु जी कह के गए हैं कि तुम लोग को 56 भोग खाने हैं। ये लो गरम गरम पूड़ी खाओ। गुरु माता, इससे अधिक ग्रहण किया ना तो हमारा पेट ही फट जाएगा। परंतु अभी तो तुम दोनों ने मात्र 10 व्यंजन ही ग्रहण किए, और खीर खीर लाना तो भूल ही गए। क्या करें हमारी बुद्धि का, हम अभी लेकर आते हैं। गुरु माता बेनती है, और कुछ मत लेना। अरे धनी कहाँ फंस गए, 56 भोग खाने के चक्कर में कहीं प्राण ना निकल जाए। मेरे प्राण निकले तो मैं सारा दोष गुरु जी को दूंगा। अच्छा एक बात तो बताओ, आज 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 मुझे सब्जी पकाने के लिए क्यों कह रही हो? अम्मा के लिए इसलिए। शारदा, परंतु अम्मा शारदा आई का है? आपको बाहर जाना है अपनी मूछ मुंडवाने। आपको दरबार जाना है। अरे दरबार तो मुझे भी जाना है अम्मा। हाँ हाँ हाँ, घर का कार्य भी आवश्यक है। देखो जब तक शारदा नहीं आ जाती तब तक हम दोनों को घर का कार्य आपस में बांट लेना होगा, और प्रातः शीघ्र उठकर अपने अपने हिस्से का कार्य समाप्त करना होगा, उचित है? ये क्या बोल कर गई? मुझे क्या पता, ऐसा अस्त्र दिख गया जलामा तो दरबार में तो बली बली समस्या सुलझा देता है, परंतु यहाँ तू अम्मा के इशारे नहीं समझ पाया। लामा मुझे लगता है तू उतना समझदार है नहीं लोग जितना मानते हैं तुझे। अरे क्या कैसे आया बड़ा? तो अब मैं करूँ क्या, पहले रसोई घर का कार्य समाप्त करूँ या दरबार जाने के लिए तैयार हूँ? वैसे भी तू प्रतिदिन विलंब से ही पहुंचता है रामा, इसलिए तू तरकारी बनाने पर ध्यान दे। गुरुवर के ताने अम्मा के डंडे से कम घातक है। हाँ। हुचु कुछु, हुचु कुछु। हुचु कुछु, हुचु कुछु। प्रणाम मंत्रीवर। प्रणाम सौदामिनी देवी। प्रणाम गुरुवर। सौदामिनी देवी विराजिए। नहीं 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 गुरुवर, आप ही विराजिए। विराजिए ना। नहीं आप ही विराजिए ना। महारानी चिन्ना देवी पधार रही है, महारानी चिरुमलम्मा पधार रही है। महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी चिरुमलम्मा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय, महारानी चिरुमलम्मा की जय। महारानी चिन्ना देवी की जय। आज दरबार में बाकी की महिलाएं अभी तक क्यों नहीं आई हैं? ऐसा प्रतीत होता है एक ही दिवस में महिलाओं का मन भर गया दरबार से। हमें तो पहले से ज्ञात था ये कार्य महिलाओं के बस का है ही नहीं। अम्मा आप पंडित रामकृष्ण का स्थान ग्रहण कीजिए। रामकृष्ण अभी तक क्यों नहीं आए? क्या दही मथ रहे हैं? महारानी चिन्ना देवी जी, ये तो पंडित रामकृष्ण की प्रतिदिन की आदत है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और स्वयं विलंब से आते हैं। अब देखिए जब महाराज थे तब कौन सा समय से आते थे? क्या हुआ, सत्य तो कह रहे हैं? गुरुवर जी, गुरु माता क्यों नहीं आई? हम तो बुरी तरह फंस गए, अब क्या उत्तर दें रानियों को?